हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको मेकअप का बेस कैसे रेडी करना है, क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए। अभी आपको मेरे फेस पे डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको मेकअप के थ्रू हाइड किया है। इसकी वीडियो जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके चेकआउट कर लीजिए किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में कितना कितना प्रोडक्ट आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है पिगमेंटेशन छाइयाँ डार्क स्पॉट्स डार्कनेस को हाइड करने के लिए मेकअप से। वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा, आई बटन पे मिल जाएगा या फिर आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे सेकंड चैनल का, इंस्टा आईडी का, तो वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डार्क सर्कल को कैसे हाइड करना है इसका वीडियो जा चुका है तो वो चेक कर लीजिएगा। तो उतना वीडियो मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने दो तीन पार्ट में वीडियो को बनाया है और आप लोगों को अच्छे से बताने के लिए। तो डार्क सर्कल को तो हमने हाइड कर लिया, इसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा आगे का प्रोसेस होगा, जो हमारा आगे का प्रोसेस है, अब हम लोग अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है ये बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। एंड अपने मेकअप को विदाउट एचडी प्रोडक्ट कैसे एचडी लुक दोगे, कैसे लॉन्ग लास्टिंग करोगे, एंड जो आपका मेकअप है वो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, केक ही नहीं होगा, फटेगा नहीं, काला नहीं पड़ेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो है काफी ज्यादा हेल्पफुल तो वीडियो को भरपूर लाइक दीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये मैंने फाउंडेशन अपने हाथों पे लिया। बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड बोलते हैं कि मैम आप कौन सा फाउंडेशन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, सारी चीजें दिखाया करो। तो इससे पहले वाली वीडियो में कौन सा कलर करेक्टर यूज किया है, किस तरीके से अप्लाई किया है, डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए सब कुछ बताया है। अभी मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को कैसे रेडी करें इस पर भी वीडियो जा चुकी है। अभी जो ये फाउंडेशन है ये है लैक्मे 925 का और बहुत अच्छा फाउंडेशन है। मैं इसको काफी लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ, अपने बहुत सारे ब्राइडल्स पे भी यूज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिट मी का भी फाउंडेशन बहुत अच्छा है। अब मैंने फाउंडेशन को तो ले लिया है, लेकिन फाउंडेशन अप्लाई करने का सही तरीका जो होता है वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। फाउंडेशन अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, अगर ये वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड और जो भी मेकअप करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बिल्कुल भी डार्क सर्कल नहीं दिख रहा है और काफी लॉन्ग टाइम से क्या बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जाके आप चेक कर लीजिएगा कैसे मैंने अपने डार्क सर्कल को बिल्कुल अच्छे से हाइड किया है। तो फाउंडेशन तो हमने ले लिया, तो हम लोग क्या अक्सर मिस्टेक करते हैं, फाउंडेशन लिया डायरेक्ट फेस पे अप्लाई किया, ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी, नहीं करना है ऐसे। सही तरीका क्या है वो बता रही हूँ आपको। लेना है मेकअप फिक्सर, फाउंडेशन से पहले मेकअप फिक्सर को अपने फेस पे लगा लेंगे। वेडिंग सीजन चल रहा है, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आपने देखा मैंने फिक्सर अप्लाई कर लिया। अब इस तरीके से फाउंडेशन का बहुत कम क्वांटिटी लेना है, इस तरीके से अप्लाई करेंगे फेस पे एंड गर्दन पे, आईज पे भी कर सकते हो। हम लोग अपना गर्दन अक्सर भूल जाते हैं तो ऐसा नहीं करना है। जितना प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो उतना ही अपने गर्दन पे, जितना भी पार्ट दिख रहा है बॉडी का उतने पे अप्लाई करना है। तो इतना तो हमने किया, फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले हमने फिक्सर अप्लाई किया था, देन फाउंडेशन लगा दिया, उसके बाद भी फिक्सर अप्लाई करेंगे। अब आपको 20-30 सेकेंड रुकना है ताकि जो फिक्सर है वो आपके फाउंडेशन में अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा। ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करना है, एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है, उसके बाद अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है बता रही हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब जो हमारा फिक्सर था पहले हमने अप्लाई किया था फाउंडेशन लगाने से पहले, देन फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई किया, दोबारा से फिक्सर लगाया। अब फाउंडेशन में हमारा जो फिक्सर है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये नॉर्मल फाउंडेशन हमारा एचडी फाउंडेशन बन चुका है एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, ब्लैक नहीं पड़ेगा, केकी नहीं होगा। जैसे जैसे बताती हूँ वैसे वैसे स्टेप फॉलो करेंगे। तब ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लिया है, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। कई लोगों को मैंने देखा इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं करना। इस तरीके से करने से क्या होता है, प्रोडक्ट बीच से निकलने लग जाता है और फैल जाता है। तो देखिए इस साइड पे हमने इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया, अब इधर का इस तरीके से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से।
ब्रांडिंग में अंतर दिखा आपको? इसका प्रोडक्ट जो है हेयरलाइन के पास दिखाई दे रहा है बट इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर को रब नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से टैप टैप करना है और प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है। और सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन हम लोग अक्सर अपने फेस से लाइट या डार्क ले लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एग्जैक्ट अपने फेस स्किन टोन से मैच होता हुआ प्रोडक्ट ही यूज करना है। देखिए फोरहेड पे हमारा बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। अब फेस पे जो प्रोडक्ट है उसको धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और आईज के नीचे अप्लाई करेंगे। अब हमारा डार्क सर्कल जो है बिल्कुल अच्छे से हाइड हो चुका है एंड जो प्रोडक्ट है वो भी बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी ब्लेंड करना है जैसे मैं कर रही हूं, जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल। तो फेस का प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो फाउंडेशन को कैसे, कब, क्यों, कितनी क्वांटिटी में कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे ब्लेंड करना चाहिए, कैसे अप्लाई करोगे तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, कोई भी फाउंडेशन को कैसे HD लुक दे सकते हो, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो चुकी होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो वीडियो पसंद आई हो एंड देखिए फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है। कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ बताया है कि फाउंडेशन को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। किसी भी फाउंडेशन को HD लॉन्ग लास्टिंग और कितना क्वांटिटी में कैसे यूज करना है सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा और किस तरीके से आप फाउंडेशन को सही तरीके से यूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।